लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए यूडी यूडी यूडी, कुछ तो सुना दे आज ब्रो। यार बिना कुछ सुना ही चला जाएगा क्या? चलना भागवत का। हे डूड, एक जोक तो सुना दे। अबे नहीं यार, आज चल चल सुना ना। अरे भाव ब्रो, सुना दे। थोड़ा एंटरटेनमेंट। कभी ना पिछली बार तुम्हारे एंटरटेनमेंट के चक्कर में ना मुझे चाटा पड़ा था। ओए, तो इस बार आई लव यू मत बोलना। अबे गधे, फिर से पिटेगा। एक्चुअली आई लव यू तो मैं बोलूंगा, और डरने की बात नहीं है, क्योंकि इनसे चाटा तो मैं आए दिन खाते रहता हूँ। ये कौन सी कहानी है भाई, वायलेंट टाइप की? ये कहानी है एक सुपर हीरो फैमिली की। सारे सुपर हीरोस एक से बढ़कर एक। हीरो नंबर वन, सुपरमैन, द मिडिल क्लास इंडियन फादर। एक सुपरमैन को टेंशन है कि यार दुनिया को बचाना है, और दूसरे को टेंशन है कि भाई किसी भी तरह कैसे भी कहीं से भी पैसों को बचाना है। एक सुपरमैन लाल चादर फैलाकर उड़ जाता है, दूसरा सुपरमैन कहता है उड़ो मत, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। होता है भाई, होता है। हीरो नंबर टू, वंडर वुमन। अरे अपनी मम्मी यहां। अब देखो, वंडर वुमन ने आज तक कभी किसी से हार नहीं मानी, तो अपनी मम्मी यहां क्या किसी से कम है? अरे दुनिया में किसी भी दुकान में वो बार्गेन करे और विजय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे सब्जी वाले से हर रोज 12 रुपए कम करवाना और ऊपर से धनिया मिर्च फ्री ले लेना कोई मजाक नहीं है। है हिम्मत तो करके देख लो। हीरो नंबर थ्री, कैप्टन अमेरिका, घर का पहला बेटा। अब पहला है तो हर बात में फर्स्ट है, अपने क्लास में फर्स्ट, खाना खाने से लेकर निकालने तक हर प्रोसेस में फर्स्ट, टूथपेस्ट से लेकर टीवी के रिमोट तक हर चीज पर उसका पहला हक। एंड आई एम लाइक व्हाट द फर्स्ट। नाइस वन। अब इतने सारे सुपर हीरोज है तो एक विलन भी तो होना चाहिए कि नहीं भाई? तो है ना। इस कहानी का विलन है इस घर का छोटा बेटा, मिस्टर यातिचू। ब्रो ये कैसा टेढ़ा नाम है यार। जितना टेढ़ा नाम है ना उतना ही टेढ़ा बंदा है। उसको लगता था कि वो इन सबसे बेटर है। वो सोचता था कहाँ ये डाउन मार्केट मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गया। उसके हिसाब से वो किसी टाटे बिरले के घर में पैदा होना चाहिए था। नॉट अडानी। मिस्टर यातिचू की लाइफ का एक ही मकसद था, सबके सामने कूल दिखना। फिर चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े या शॉर्टकट लेने पड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता। ही जस्ट वांटेड टू बी कूल। और पता है उसकी सुपर पावर क्या थी? अरे तू ही बता दे डूड। सबसे तेज भागना, हमेशा हर चीज से भागता था, प्रॉब्लम से, सच से, जिम्मेदारी से, खुद अपने से और अपनों से। और भागते 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 सब अपनों को पीछे छोड़ दिया, और कूल बनने के चक्कर में अपने दोस्तों का दिल तोड़ दिया। फिर लाइफ ने मारा ऐसा चाटा कि भाई साहब के सामने छा गया सन्नाटा। जब गिरा तो उठाया किसने? 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 अपने हीरोज ने। जब हीरोज ने हाथ बढ़ाया तो इस बेवकूफ को समझ आया कि जब अपनों का साथ होना तो जीरो भी हीरो बन जाता है। सही बात है, यही बात है। और किसको था पता कि इस इडियट को भी समझ आएगा कि कैप्टन अमेरिका, उसके बड़े भैया जो हर चीज में फर्स्ट है, वो मम्मी पापा की डांट खाने में भी तो फर्स्ट है। सही बोल रहा है। जब मिस्टर यातिचू घर पर घोड़े बेचकर सोता था तो जल्दी सुबह उठकर आटा पिसवाने और बिजली का बिल भरने की लाइन में खड़े रहने वाला भी तो वो फर्स्ट था। ओ गुड्डू भैया, वंडर वुमन। मेरी मम्मी को ही ले लो, इतने साल 12 रुपए जोड़ जोड़ कर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ली एक स्कूटी जिससे मैं कॉलेज आराम से आ सकूं, जबकि वो खुद बस में धक्के खाती है। और ज्यादातर जब तक वो खाना खाने बैठती है ना, वो धनिया मिर्ची वाली चटनी तो मैं चट कर जाता हूँ। और सुपरमैन, हर घर के पापा, जिस चद्दर में वो रहने की बात करते हैं ना, उसी चद्दर में हमें हमारे सारे सपने समेट कर देते हैं, और कभी जताते नहीं है
खुद का चश्मा ठीक कराने के लिए 200 रुपए नहीं खर्चते, पर मुझे ओकोट भेजने के लिए एक बार में 1.5 लाख दे दिए। क्यों? ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। शायद हमारे पापा वो सुपरमैन की तरह उड़ते नहीं है, पर वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी उड़ान सबसे ऊंची। तो ये मिस्टर यातीजू ने क्या सीखा? उसने सीखा कि असली कूल बंदा वो होता है जो बंदा असली होता है। So true. और ये बताओ कि आई लव यू किसको बोलना था? Oh shit, वो तो भूल गया। Okay. हम सब अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, करेक्ट? पर एक्सप्रेस करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, स्पेशली पापाओं को। पता नहीं क्यों हमेशा ये रिस्पेक्ट के नाम पर ना दूरियां रहती है। तो आज एक काम करते हैं, ये जो दूरियां है ना, इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और खुल के एक्सप्रेस करते हैं। मेरे वाले तो यही है, मिलिए दुनिया के सबसे कूल पापा से। ये शर्मा जी, मेरे सुपरमैन। शर्मा जी, शर्माइएगा मत। आई लव यू यार। ये वाला आई लव यू सबसे बेस्ट है। बाप मेरा एक लौता है, रख रख के वो धोता है मुझको ही, पारा जब उसका चढ़ता है जूता उड़ के पड़ता है मुझको ही। ये अच्छा था। लेकिन ये कैप्शन यातीजू कौन सा विलेन है? अरे यातीजू मैं हूँ, यातीजू तू है, यातीजू तुम भी हो। मैं यादी नहीं, मैम आप नहीं हो। क्या कर रहा है? आप भी नहीं पापा, आप भी नहीं। पर मैंने कहा था ना ये यातीजू थोड़ा टेढ़ा है। अरे ये है कौन? वो फिर बता दे, उल्टा करके खुद ही देख लो। बोल दिया चूतिया। बोला ना तू है। तूने क्यों नहीं पहनी फैंसी ड्रेस? क्या फर्क पड़ता है, लास्ट डे इस कॉलेज में। कहीं नहीं जा रहा तू, फीस भर दिया ऑकवर्ड की। पर पापा वो ऑकवर्ड नहीं ऑकवर्ड होता है। निकाल उस जूता तेरे। बड़ा आया साइशा। ऐश, I have some bad news यार। क्या हुआ? मैं ऑकवर्ड छोड़ के नहीं जा रहा। पागल का फोन। तो अब 2 साल और हम सेम क्लास में, दोस्ती तो करनी पड़ेगी यार। फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स। अबे तेरी पर पागल है क्या? सुन, उसकी तो 2-2 गर्लफ्रेंड है, तेरी एक भी नहीं है। अबे थोड़ा तो कूल बन। ठीक है बन जाता हूँ, आप देख लेना अपना। अरे एक मिनट, क्या तू ऐसे ठीक है बेटा? देखो ज्ञान तो मैंने बहुत पेल दिया, लेकिन गिरते पड़ते उठते संभलते मैंने अपना कर ही लिया। फाइनली मैं असली कूल बंदा बन ही गया।